सो गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो गाइज क्या शार्लेट फ्लेयर हमारे न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने वाली हैं समर स्लैम 2021 में? तो गाइज इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। फिर सेलिब्रेट को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए पता नहीं, मैं आपको हज़ार वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप क्या कह सकते हैं, बताना ही पड़ेगा। तो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन निकी ऑलमोस्ट सुपर हीरो वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिपली के बीच में। ये मैच हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, अगर आपने शार्लेट फ्लेयर को मंडे नाइट रॉ में देखा होगा तो शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी बुरी तरीके से रिया रिपली और निकी ऑलमोस्ट सुपर हीरो पीटती हैं। और गाइस, शार्लेट फ्लेयर काफ़ी अच्छा हील कैरेक्टर का रोल निभा रही हैं। तो हो सकता है गाइस कि अगर WWE के पास काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेज प्लेयर होंगे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और शार्लेट फ्लेयर के लिए, तो हो सकता है गाइस कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि गाइस शार्लेट फ्लेयर जीत सकती हैं और वो हमारे न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बनेंगी। यानी कि गाइस आप कह सकते हो कि हमारे शार्लेट फ्लेयर अपने करियर में सबसे ज़्यादा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को कैप्चर करते नजर आ सकती हैं इस साल के समर स्लैम 2021 में। बाकी गाइस रिजल्ट की रही बात तो हमें पता चल ही जाएगा अभी से जस्ट कुछ घंटे के बाद कि इस मैच का हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स। Turn this shit around, just start adopting us. Cause all you need to do